हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अभी जो है शाम के 4 बज रहे हैं। आज जो है गाइस मैं छत पे जल्दी आ गया हूँ क्योंकि मुझे उड़ाना है अपने कबूतरों को। और अगर आप लोग जाली के अंदर देखोगे तो मैंने इस टाइम पे दोनों ही पेटी बंद करके रखा है कि जैसा कि आप सभी को पता होगा जो हमारे फेंटल कबूतर का अंडा था वो भी जो है कबूतरों ने लड़ाई झगड़ा करके तोड़ दिया है। जो अपने सिंगल कबूतर है वो जो है बहुत ही ज़्यादा भाई परेशान कर रहे थे। जोड़े वाले कबूतरों के पेटी में जाके उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगते थे। कभी कभी बच्चों को चोट आ जाती थी, कभी अंडे फूट जाते थे। अब से मैं जो है हमेशा ऐसे ही करूंगा, सुबह के टाइम में अपने कबूतरों को मैं खोल देता हूँ, सिंगल कबूतरों को भी और जोड़े वालों को भी। जोड़े वाले कबूतर भी जो है 1.5-2 घंटे के लगभग खुले रहते हैं। दाना पानी अच्छे से करके जब अपनी अपनी पेटी में चले जाते हैं तो मैं जो है दोनों ही पेटी बंद कर देता हूँ। अब जो भी हमारे जोड़े वाले कबूतर है वो जो है बिल्कुल सेफ रहेंगे। और गाइस इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया था हमारे फेंटेल कबूतर का अंडा टूट गया था, उसके ऊपर मैंने टेप लगाया था और आप लोगों से पूछा था कि भाई उसमें बच्चा बन सकता है या फिर नहीं। तो आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि भाई उसमें बच्चा बन जाएगा और कुछ कुछ इक्के दुक्के लोगों का ये भी कमेंट था कि भाई अंडा खराब हो जाएगा। तो अब क्लियर तो मुझे भी नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल में कबूतर जो है अंडे को प्रॉपर तरीके से हैच तो कर रहे हैं, मेल अंडे को हैच कर रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर जो ऐसे कबूतर हैं जिनको मुझे नहीं उड़ाना है उन सभी को मैं इसके अंदर अभी फिलहाल मैं कर दूंगा बंद। ये जो व्हाइट पट्टा है इसको भी मैं आज उड़ाने वाला हूँ डायरेक्ट अपने कबूतरों के साथ में ही। इससे पहले मैं क्या करता था, उड़ाता था लेकिन ये जो है कुछ चक्कर लगा के बैठ जाता था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटा था। लेकिन अब जो है ये उड़ने के लायक हो गया है तो आज इसको उड़ाएंगे और देखेंगे कि ये कबूतर कैसा उड़ता है। तो चलो सबसे पहले जो जो कबूतरों को मुझे नहीं उड़ाना उन लोगों को मैं जल्दी जल्दी अंदर कर देता हूँ। जैसे भाई ये बहुत सारे छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, ये लोग को उड़ाऊंगा तो ये लोग गिर जाएंगे। मैंने अपने उड़ने वाले कबूतरों को निकाल लिया है बाहर। अभी भी बहुत सारे ऐसे कबूतर हैं जो उड़ने वाले हैं लेकिन उनमें से कुछ कुछ पट्टे अभी बहुत छोटे हैं और कुछ कुछ बड़े हैं। जैसे कि एक यहाँ पे है और इसके अंदर कुछ कुछ बड़े बड़े पट्टे हैं जिनको मैं उड़ा सकता हूँ लेकिन उनका पर बराबर नहीं है। अभी फिलहाल में हम लोग इतने कबूतरों को उड़ाने वाले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो गेट खोल देते हैं और कबूतरों को निकालते हैं बाहर। चलो ये गए भाई अपने कबूतर, ये देखो ये टोटल 7 कबूतर हैं। जाल के अंदर सभी के सभी कबूतर अपनी अपनी पेटी के अंदर बंद है। जो सिंगल कबूतर है वो ये वाली पेटी में बंद है एंड जोड़े वाले इसके अंदर, जिससे कि कबूतरों को फड़क उड़क ना लगे और वो लोग जो है अच्छे तरीके से उड़े। ये देखो ये रहे भाई अपने कबूतर, उड़ना हो चुके हैं स्टार्ट। और ये जो मकवा पट्टा है ये भी काफ़ी शानदार उड़ रहा है। जब पहले मैं इसको उड़ाता था तो भाई नीचे नीचे कुछ चक्कर काट के बैठ जाता था लेकिन अभी तो फिलहाल में धीमे धीमे ऊपर जा रहा है कबूतरों के साथ में। ये वही बच्चा है देखो, मैंने इसको कबूतरों के साथ में इसलिए उड़ा दिया है क्योंकि ये अपने घर का ही बच्चा है। इतने टाइम से जो है खुद का खुद मस्ती में उड़ता था फिर आके बैठ जाता था तो इसको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया होगा। तो ये देखो भाई ये अपने बड़े कबूतरों के साथ में जा रहा है ऊपर, काफ़ी शानदार उड़ रहा भाई। पहले भी जो है मैं ऐसे ही करता था अपने कबूतरों को उड़ा के और छाए में ऐसे आके बैठ जाता था। इसीलिए जो है आज मैं छत पे थोड़ा जल्दी भी आया कि आज जो है मैं अपने कबूतरों को उड़ाऊंगा, खुद भी थोड़ा उड़ान देखूंगा एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो जो वाइट वाला पट्टा है अभी अपने कबूतरों से अलग हो चुका है, ये रहा भाई। लेकिन बहुत ही शानदार उड़ा, अभी मेरे हिसाब से ये धीमे धीमे नीचे आ जाएगा। कबूतरों के साथ में काफ़ी हाइट पर भी गया था अपने, और किसी भी कबूतर का दिक्कत नहीं है कि कोई कबूतर इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ये जो व्हाइट वाला पट्टा है इसका होने का चांस है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इतना हाइट पे गया है। फिलहाल के अंदर भी सभी कबूतर बंद है, कबूतर फड़क नहीं है तो देखते हैं। अभी फिलहाल मैं अपने कबूतरों को मैं नहीं खोलूंगा, मेरा पूरा ध्यान वो व्हाइट वाले पट्टे पे ही है। अगर वो नीचे आएगा अपने जाल की तरफ तो मैं अपने कबूतर नहीं खोलूंगा, मेरे को ऐसा लगेगा भाई बच्चा दूर दूर जा रहा है तो अपने कबूतरों को हम लोग खोल देंगे। फिलहाल में तो ये पट्टा जो है अपने छत के ऊपर ही उड़ रहा है लेकिन कबूतरों से अलग हो चुका है। अपने कबूतर जो है पूरे हाइट पे चले गए भाई, अभी मुझे दिख भी नहीं रहे। ये रहे दो चमक रहे, क्या पता कैमरा में आ रहा है या फिर नहीं। और वो बच्चा कहाँ गया, ये रहा ये बच्चा तो दिख रहा है भाई क्लियर। वो बच्चा थोड़ा सा नीचे आ गया है और अभी उल्टे साइड में जा रहा है, इस साइड में। वो बच्चा काफ़ी दूर निकल रहा है भाई धीमे धीमे, लेकिन अभी भी मुझे दिख रहा है ये आ रहा है रिटर्न। देखो मैं आपको दिखाने का ट्राई करता हूँ, काफ़ी हाइट पे, क्या पता दिखेगा नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा मेरे हिसाब से लेकिन मुझे क्लियर दिख रहा है। ये रहा यहाँ पे भाई, हल्का फुल्का चमक रहा होगा तो चमक रहा होगा नहीं तो उतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा। और ये गाइस और ज़्यादा उस साइड में जा रहा है, फिर आ रहा है। जो पट्टा है वो उड़ तो काफ़ी शानदार रहा है, काफ़ी सही उड़ रहा है। जो सिंगल कबूतर है उनको सबसे पहले जाल के अंदर खोल देते हैं।
चलो भाई आ जाओ। और एक आध अपने जो कबूतर हैं इन लोग को बाहर छोड़ देते हैं। अभी पूरे कबूतरों को मैं बाहर नहीं निकालूंगा, कुछ ही कुछ को बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि गाइस वो पट्ठा बहुत अभी छोटा है और अभी मैंने उसको उड़ाना स्टार्ट भी किया है। देखो जो अपने बाकी के कबूतर हैं वो तो यहाँ उड़ रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख जाएंगे। ये देखो ये वाइट में क्या पता वो है या फिर कोई और है, और बाकी के कबूतर ये उड़ रहे हैं भाई। और गाइस इतने टाइम के बाद मुझे एक वाइट कबूतर आसमान में दिख गया है, और अपने ये पिलाकड़े कबूतर को भी वो कबूतर मेरे हिसाब से दिख गया है। ये कबूतर बहुत ही अच्छा है, कोई भी कबूतर उतारना होता है ना तो मैं इसको बाहर जरूर छोड़ता हूँ, ये कबूतर देख के खुद से ही उसको फर्क देने लगता है। रुको मैं दिखाता हूँ, अभी दिखा था एक वाइट कबूतर, ये रहा, मेरे हिसाब से वो पट्ठा ही होगा शायद, नीचे आ जाए तो क्लियर हो जाएगा। ये रहा देखो अपने छत के ऊपर ही उड़ रहा है और धीमे धीमे नीचे आ रहा है, तो देखते हैं कि अपना कासनी है या फिर वही वाइट वाला है। देखो भाई बैरी देख रहे हो, इसी के डर से मैं सुबह के टाइम में नहीं उड़ाता हूँ, लेकिन ये लोग जो है शाम को भी आ रही हैं बार बार। अभी जो है मैं दोबारा से आके यहाँ पे बैठ गया हूँ और आराम से देख रहा हूँ, क्योंकि देखते हैं अब क्या किया जाए, क्योंकि और कोई दूसरा कबूतर तो मुझे फिलहाल में दिख नहीं रहा है। वाइट जो छत के ऊपर आ गया है यही वाइट में दिखता है, क्या पता ये है या फिर कोई दूसरा, मुझे कोई दूसरा लग रहा है, ये कोई बड़े कबूतर में से मेरे को लग रहा है नीचे आ गया है कासनी, उसका वाइट कुछ दूसरे टाइप में था। और गाइस मुझे दिख गया भाई, ये देखो शायद ये अपना ही कबूतर है, शायद ये उड़ रहा है, ये उड़ रहा है, इसको मैंने उड़ाया, फड़क दिया इसने, ये उड़ रहा है एक वाइट, क्या पता अपना है कि अपना ही लग रहा है, ये मुझे अपना ही लग रहा है, ये आ रहा है, कुछ मैं फड़क उड़क नहीं दे रहा हूँ, ये देखो। और गाइस ये कबूतर बहुत ही अच्छा है, मैं इसको उड़ाने के लिए नहीं रखा हूँ, ये कबूतरों को फर्क बहुत अच्छा देता है। देखो ये अपना वाला ही पट्ठा है मेरे हिसाब से तो, और ये जो छत पे उड़ रहा है ना ये कोई बड़ा कबूतर है, और ये देखो खुद से ही फर्क देता रहेगा। तो अगर ये अपना वाइट पट्ठा होगा तो ये अभी घूम फिर के आ जाएगा, क्योंकि जब पहली बार पट्ठे उड़ते हैं और इतने हाइट पे जाते हैं तो थोड़ा इधर उधर भटकते हैं और उसके बाद फिर घूम फिर के वापस आ जाते हैं। तो देखते हैं हमारा है या फिर किसी और का है। यहाँ पे एक और पट्ठा उड़ रहा है लेकिन ये हमारा नहीं है, ये किसी और का है। ये देखो और जूम करता हूँ, आप लोग को दिख जाएगा, यहाँ पे भी कबूतर फड़क रहे, लेकिन गाइस ये कबूतर अपने नहीं हैं, ठीक है। वो वाइट वाला शायद अपना हो सकता है लेकिन उतना कन्फर्म भी नहीं है, क्योंकि भाई इधर दो तीन लोग और पालते हैं ना, तो उनका भी हो सकता है और अपना भी हो सकता है। अगर अपना होगा तो कबूतर देख के आ जाएगा। ये रहा, ये उड़ रहा है भाई, और ये जो आ रहा है ये तो भाई अपना कासनी है, देखो पलटी मार रहा है, ठीक है। ये ऊपर गया था कबूतरों के साथ उड़ा और पलटी मारते हुए नीचे आ गया, और बाकी के कबूतर तो अभी भी हाइट पे ही चढ़े हुए हैं। ऐसे देखो ये आ गया, ये जो वाइट वाला पट्ठा है ये शायद अपना ही है, और देख रहे हो ये कबूतर कितना ज्यादा अच्छा है। मैं आराम से इधर साइड में खड़ा होकर अपना वीडियो शूट कर रहा हूँ और किसी दूसरे कबूतर को मैंने बाहर नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ इसी को बाहर निकाला, और देखो कैसे देखता रहेगा भाई, बहुत साणा है। जैसे ही कबूतर को देखेगा ना, अभी देख रहा है, देखो ये रहा वाइट पट्ठा, ये अपना वाला, ये इधर उधर भटक रहा था लेकिन ये आ गया फाइनली, देखो घुटकने लग गया, ये आ गया। तो ये फर्स्ट टाइम पट्ठा बड़े कबूतरों के साथ में हाइट पे गया था और काफी सही उड़ा। जब ये नीचे आ रहा था तो थोड़ा इसको दिक्कत हो गया, इसको अपना घर का उतना नहीं पता चला, तो उस साइड में निकल गया था और भी दूर दूर निकल गया था, लेकिन घूम फिर के वापस अपने जगह पे आ गया, कहीं पे ये पट्ठा बैठा नहीं लेकिन नीचे नीचे होके अपना घर ढूंढ रहा था। कुछ टाइम अपने पास उड़ लेगा तो ये जो है पूरा अपने छत का पक्का हो जाएगा। तो अभी धीमे धीमे मैं इसको उड़ाना भी स्टार्ट कर दूंगा। आज मैंने इसको फर्स्ट टाइम उड़ाया था अपने बड़े कबूतरों के साथ में। यहाँ पे अपने दो कबूतर आ चुके हैं और पांच कबूतर भाई हाइट पे उड़ रहे हैं अभी। ये देखो ये रहा, तो ये अभी आके बैठ जाएगा और बाकी के कबूतर भी धीमे धीमे आ जाएंगे। तब तक जो है मैं अपने ये पेटी वाले कबूतरों को भी बाहर निकाल लेता हूँ। आओ और इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि ये मोतिया पट्ठे का हम लोगों ने पर भी खोला था, तो आज इसको थोड़ा ऊपर ऊपर बैठाते हैं भाई। ये देखो जिससे कि ये कबूतर थोड़ा ऊपर नीचे करेगा तो ये भी जो है धीमे धीमे अपने कबूतरों के साथ सेट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इसको भी उड़ाना स्टार्ट कर देंगे।
यहाँ पे भाई अपना फैंटेल कबूतर उड़ने का ट्राई कर रहा था और आके नीचे गिर गया। वो तो अच्छा है कि कहीं और जाके नहीं गिरा। ओ भाई पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अगर गाइस ये कहीं और चला जाता ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाता। जा भाई अभी अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगाओ उड़ान अच्छा लगाओ तो वीडियो का लाइक ठोक देना, चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से एक और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।